विदिशा के अपडाउनर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शहर के जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को पिछले कई दिनों से सूखा राशन उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा था। आज उसका विधिवत समापन कराया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश सोनी के अलावा विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी के साथ एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी उनके साथ ही मौजूद थे। अतिथियों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया और एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश ने कहा कि अब लॉकडाउन हालांकि पहले से परेशान है, कई लोगों का रोजगार छीन चुका है, लेकिन फिर भी समाज की सेवा करने का मन बनाया। रोजों के दौरान भी मुस्लिम भाइयों को रोजा खोलने के लिए सामग्री उनके घर तक पहुंचाएगी। इसके अलावा फोन पर भी सूचना मिलने पर उन्हें राशन उपलब्ध कराया। निवास और मंदिरों से भी लोग सामग्री देकर गए हैं। पिछले एक सप्ताह से हमारा एक लक्ष्य था 100 लोगों तक राशन घर पहुंचाना। उस प्रक्रिया में एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी साथ ही हम सब लोगों ने बैठकर एक मीटिंग की और उसमें तय किया कि क्यों ना हम कुछ नया करें। चूँकि ये बात से सभी आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि अब डाउनर्स खुद ही परेशान हैं अपने रोज़गार को लेकर, उनके सामने रोज़गार का संकट है, हमारे हजारों साथी बेरोज़गार हो चुके हैं। फिर भी एक नई पहल की शुरुआत की, सभी ने आपस में एक दूसरे के सहयोग से हमने राशन इकट्ठा किया, घर घर पहुँचाया, फ़ोन कॉल्स पर लोगों को जानकारी मिली तो वो यहाँ आने लग गए। यहाँ से भी हम वितरित कर रहे थे। इस वितरण प्रक्रिया में माननीय विधायक जी को भी सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने फ़ोन करके हमें हमारा मनोबल बढ़ाया तो हमें बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमारे कार्य को कोई देख रहा है। भाई जी ने भी फ़ोन किया कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, तो हमारे थोड़ा सा उत्साहवर्धन हुआ। इस क्रम को हमने आगे बढ़ाया। बीच में हॉस्पिटल्स में जो बाहर से हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स आए थे, नर्सेस आए थे, उनको भी ब्रेकफास्ट और शाम की चाय की व्यवस्था एसोसिएशन ने की हुई थी। रोज़ों के दौरान रमज़ान में हमने मुस्लिम मित्र जो हैं हमारे साथी हैं या अनजान लोग हैं उनके घर भी हमने रोज़ा सामग्री उपलब्ध कराई। एसोसिएशन का उद्देश्य जो है वो जाति धर्म संप्रदाय को एकत्र करके सबको एक साथ लेके चलने का था, लेकिन अभी विकट परिस्थिति हमारे सामने भी है कि रेल चल नहीं रही है, लोग बेरोज़गार हैं। संघर्ष हमारा वही है MST का, जो जारी रहेगा। कोरोना काल में जितना हो सका एक दूसरे की मदद की है, आगे भी प्रयास करेंगे कि बना रहे। ये दूसरी लहर में जो पहले से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुई है, इसमें मध्य प्रदेश शासन ने लंबा लॉकडाउन लगाया और इस लंबे लॉकडाउन के कारण इसका सबसे विपरीत प्रभाव जो पड़ा है वो गरीब रोज़मर्रा का खाना कमाना और उसी को खर्च करना, ऐसे लोगों पर ज़्यादा असर हुआ है। और ऐसे लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा ही होती है, अपने नगर में भी है और प्रदेश में भी है, तो वो किसी से अपने दुखड़ा कह नहीं पा रहे थे। आपने उनके दुख को समझा और समझकर आपने उनको उचित राहत भी पहुँचाई, घर घर जाके राशन बांटा है। आज भी हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ज़रूरतमंद लोग उमड़ रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, वास्तव में वो ज़रूरतमंद ही हैं और इसीलिए वो इसका लाभ उठाने के लिए बाध्य हैं। आपने इस पीड़ा को समझ कर जो कार्य किया है, हालांकि अप डाउनर्स का सीधा सीधा इससे संबंध नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सेवा कार्यों में भी जुटते हैं अपने संगठन के कार्य के अतिरिक्त, ये बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय, साधुवाद के पात्र है। एसोसिएशन के हमारे जितने भी साथी हैं वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं। राशन पानी जो हमारे गरीब जन हैं जिनके पास जिनको ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उसके लिए पूरी एसोसिएशन के सदस्य, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक बहुत अनुकरणीय कार्य वो इस विदिशा की गरीब जनता के लिए कर रहे हैं। पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तब भी आप लोगों ने बहुत लोगों की मदद की थी, और पिछली बार और इस बार जो समाज सेवी संस्थाओं ने मदद की है वो शायद सरकार ने भी नहीं की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, आप लोगों ने बुलाया, मैंने भी आज 5,100 रुपये देने की घोषणा की कि आपके इस कार्य में, क्योंकि पूरा कार्य तो मैंने नहीं किया, लेकिन पैसे देने से ज़्यादा समय देना होता है और समय आप लोग दे रहे हैं तो भगवान सब चीज़ की व्यवस्था कराता है। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।